मैं आपको बताने आया हूं मेरी माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, जो वोट डालने जाएंगे आपका खास ख्याल रखिए कि अपना वोट डालने नहीं जा रहे बल्कि आप अपने नौजवान बेटों का अपनी बेटियों का मुस्तकबिल तय करने के लिए वोट डालने जा रहे हैं। इस इलेक्शन में ओवैसी मुद्दा नहीं है, इस इलेक्शन में आपका मुस्तकबिल दांव पे लगा है। इस इलेक्शन में मैं नहीं हूं, इस इलेक्शन में आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, सीमांचल का मुस्तकबिल है। और सबसे बड़ी बात कि क्या हम में इतना सियासी शऊर पैदा हो चुका है कि हम यहां पर अपनी एक सियासी क़यादत को मजबूत करेंगे। ये आपको हम फैसला लेना है मेरे अजीज वंशों बुजुर्गो, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं और इस बात का शाम में यादा कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि आप इजहार रशीद साहब को कामयाब उच्चा दामन में जो रेलवे तालाब रेलवे स्टेशन यहां पर खोलेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे सुरजापुरी भाइयों का दिल्ली के रिजर्वेशन लिस्ट में नाम नहीं है। मैंने आज से डेढ़ दो साल पहले इस सिलसिले में नुमाइंदगी भी की कि सुरजापुरी भाइयों का नाम भी ओबीसी के बैकवर्ड क्लास के लिस्ट में आ जाए। उनके मरकजी यूनिवर्सिटीज में और गवर्नमेंट की नौकरी में उनको मौका मिल सके। एक और अहम बात कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पर आया तो सीमांचल की जनता ने एक तारीखी एहतजाज किया था। लाखों की तादाद में आप निकल कर आए और उस अवामी एहतजाज का नतीजा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज का कैंपस का खया मेल दिलाया। मगर आज ईयू के सेंटर में उसको सिर्फ किया गया, उसकी जमीन पर एनजीटी ने स्टे लगा दिया, वहां पर बीएड का कॉलेज बंद हो चुका है। हम आपसे एक वादा करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करके अलीगढ़ मुस्लिम को साल बनाएंगे, वहां पर बीएड के सेंटर को खुलाएंगे और वो सरकार से बात करके उस स्टे कराएंगे। मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, आज से पांच साल पहले जब हम यहां पर अपनी जमात का सियासी सफर का आगाज किए, ये बात आपके सामने कही थी और बता था कि हम की सरजमीन पर बसने वालों से इंसाफ चाहती है। और आज आप देखते हैं कि पांच साल की मुसलसल जुटे जहर और इस आरोप कुर्बानी का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल की पसमानदगी का इकरार उन तमाम सियासी पार्टियों को करना पड़ रहा है जो सीमांचल का नाम अपनी जबान पर लाना एक बहुत बड़ा गुनाह और तकलीफ समझते थे। ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की कामयाबी है। पांच साल पहले आपको याद होगा कि हमने अपनी तकरीर में कहा था कि वक्त होगा कि भारत के संविधान में 377 के तहत यहाँ पर एक डेवलपमेंट काउंसिल बनी जाए ताकि सीमांचल की जनता ये तय करे कि उनका पैसा किस काम में लगाया जाए। और मैंने पार्लियामेंट में 377 के सिलसिले में पैसे दूर के पार्लियामान मैंने प्राइवेट नंबर्स बिल बनाकर पार्लियामेंट में पेश भी कर दिया। हम मुसलसल 377 के बारे में बात कर रहे हैं तो आज आप देखते हैं सीमांचल की पसमानदगी को, सीमांचल की नाइंसाफी को, सीमांचल के कोने में बसने वाले इंसानों के दिलों में पैदा कर दिया। इसीलिए आज राजद के लोग आकर भी कह रहे हैं कि हाँ हम सीमांचल में डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की कोशिशों का नतीजा
विचार करना पड़ रहा है। मैं आपके बात कि 5 साल पहले मैंने आपके दरमियान में आकर कहा था कि नीतीश कुमार को वोट मत दीजिए, गठबंधन को वोट मत दीजिए, ये तमाम के तमाम आपके वोट की चोरी करके बीजेपी के पास चले जाएंगे। मगर कोसा दामन की जनता ने असदुद्दीन अवैसी की बात को सुना नहीं, आपने जेडीयू को वोट किया। मैं बार बार पुकारता रहा, आपसे गुजारिश करता रहा कि आप वोट मत दीजिए, मगर आपके दिलो दिमाग पर गठबंधन का जादू कर चुका था। कलाम में तकरार का आदी नहीं हूँ, मगर मैं फिर से आप अगर कोई राजद कराए तो याद रखो ये लोग भी धोखा देंगे आपको। 6-8 महीने में आपको जो वादे कर रहे हैं कुछ वादे नहीं पूरे कर सकेंगे और आपको धोखा देंगे। इसीलिए मैं कोचा दिल की गहराइयों से पुरजोर अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि 5 साल पहले आपने हमारी बात पे यकीन नहीं किया, आपने हमारी बात को मुस्तरद किया और जेडीयू को वोट किया, और आपकी वोट की वजह से आज बिहार प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि राजद को वोट मत दीजिए, जो आपको अकेली में जन्नत दिखा रहे हैं वो आपको कल धोखा देंगे, आपको जो साफ दिखा रहे हैं वो पूरे साफ चुकना चूर हो जाएंगे। ये तमाम इसलिए कह रहा हूँ कि आज सीमांचल में आपको अपनी एक सियासी करना है, यहाँ से आपको अपने नुमाइंदे को कामयाब करना है। अगर आप यहाँ से इजारसी को कामयाब करेंगे, आपसे वादा कर पटना की तरफ नहीं देखकर बात करेंगे, वो दिल्ली की तरफ देखकर बात नहीं करेंगे, वो नीतीश कुमार से पूछकर बात नहीं करेंगे, बल्कि वो कोचा तकलीफ को समझकर बिहार की विधानसभा में आपके हक का मुताबिक करेंगे। आपने जिसको कामयाब किया था जेडीयू का, वो नीतीश कुमार के बगैर इजाजत के अपनी जबान को नहीं ला सकता। हम ये आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहे हैं कि इजहार साहब को कामयाब करिए, इन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वो कोचा दामन की आवाम की जनता की लड़ाई बेबाक तरीके से लड़ने का इनको हम पूरा अख्तियार दे चुके हैं, सिर्फ आपको उनकी तारीफ करना है। और 7 नवंबर निकल कर अपना एक पतंग छाप पर लगाना है। एनआरसी की लड़ाई आप तमाम ने मिलकर लड़ी, आप तमाम ने मिलकर एहतजाज किया। जब CAA NPR एनआरसी की लड़ाई हो रही थी तो क्या कोई राजद का नेता आपके साथ आकर खड़ा था? राजद का नेता आपके साथ आकर खड़ा था? और याद रखिए CAA NPR एनआरसी हमारे लिए जिंदगी और मौत का मामला है, इसलिए कि सीमांचल की जमीन पर बसने वालों को नरेंद्र मोदी की पार्टी कहती है कि सीमांचल में कोचा दामन में रहती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पिछले 25 साल से बार बार ये जुमला हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि सीमांचल में घुसपैठी रहती है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या नीतीश कुमार को कोई घुसपैठी बोलेगा? किसको घुसपैठी कह रहे हैं? कि इजहार अस्सी घुसपैठी है, नीतीश कुमार को घुसपैठी नहीं कहते, कोई यादव को घुसपैठी नहीं कहते RJD के, कोई कांग्रेस के राहुल गांधी को घुसपैठी नहीं कहते। आखिर क्या वजह है कि सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों को घुसपैठी कहा जा रहा है? इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप कामयाब कर रहा है, ताकि आपकी एक बेबाक आवाज उठे, जो CAA NPR NRC की लड़ाई आप तमाम और हम लोग मिलकर ताकत से लड़ना है। यह खतरा हमारे सरों पर मंडरा रहा है, और अगर हम दोबारा गलती करेंगे, नहीं राजद है, JDU है, याद रखिए न राजद के लीडर के जबान से, न JDU के लीडर के जबान से CAA NPR NRC निकलता है। इसलिए नहीं निकलता क्योंकि डरते कि कहीं उनको नाकामी ना मिल जाए। हम आपसे अपील करने आए हैं, इसका खास ख्याल रखिए, और 7 नवंबर के दिन वोट डालने से पहले तमाम बातों को सोचिए। इजहार हमारे उम्मीदवार इजहार अस्सी साहब
एक शरीफ और एक अच्छे इंसान है, आपके खादिम की जरूरत है जो आपके दरमियान में रहेगा, की जरूरत है अपनी तकलीफ समझता है। हाँ, इन तमाम मुकालफीन के पास दौलत बहुत है मगर इनके पास दिल नहीं है, इनके पास दौलत बहुत है मगर खिदमत का जज्बा नहीं है, इनके पास दौलत बहुत है मगर वफादारी निभाने का जज्बा इनके पास नहीं है, दौलत इख्तदार इनके पास है मगर इनकी तारीख गवाह है कि जब जब इनको इख्तदार मिला इन्होंने आवाम को धोखा दिया। अब सीमांचल में एक बदलाव की लहर है और उस बदलाव की लहर मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कोचा दामन से यहाँ से पतंग छाप के उम्मीदवार जनाब इजहार अफ्री साहब को कामयाबी मिलेगी। गुजारिश हम आपके सामने आपसे गुजारिश है कि आप दुआ भी करिए कि यहाँ से मंदिर सत्यहाद और मुस्लिम को कामयाबी मिले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।